IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। बिहार बोर्ड के छात्र अब मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, आप ये सुनकर चौंक गए होंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कहना है। दरअसल बिहार में कुछ अब ऐसे स्कूल हैं जहाँ के स्टूडेंट्स मैट्रिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि अगले साल मैट्रिक परीक्षा देने वाले 25 स्कूलों के सैकड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य फंसता दिख रहा है। अगर दो दिनों के अंदर ये स्कूल ने अपनी गलती नहीं सुधारी तो इन स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के से वंचित हो सकते हैं। चलिए हम आपको इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है। वहीं बोर्ड ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन 25 स्कूलों के बच्चों को एडमिट कार्ड जारी किए जाने में तकनीकी रुकावट खड़ी हो गई है। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए इस मामले में जानकारी दे दी है। वहीं बोर्ड का कहना है कि मैट्रिक परीक्षा में केवल वही छात्र छात्रा शामिल होने के लिए पात्र होंगे जो अपने स्कूल के स्तर पर सेंटअप परीक्षा पास कर चुके हैं। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक पटना जिले के 8, कैमूर के 4, गया के 6, औरंगाबाद के 3 और भोजपुर, नालंदा, रोहतास, बक्सर जिलों के एक एक स्कूल ने अभी तक सेंटअप परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं का विवरण बोर्ड को नहीं दिया है। साथ ही बोर्ड का कहना है कि ये सभी स्कूल हर हाल में 22 दिसंबर से पहले सेंटअप परीक्षा का रिजल्ट उपलब्ध करा दे, इसके बाद ही छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये विद्यालय छात्रों के भविष्य के साथ क्या करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए IVTV। धन्यवाद।